पाकिस्तान में इमरान खान को लग सकता है सुप्रीम झटका। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर के फैसले को बताया संवैधानिक। नेशनल असेंबली में करना पड़ेगा वोटिंग का सामना। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में 9 अप्रैल को होगी अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग। सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश, कहा सरकार हारती है तो नई सरकार का गठन कराया जाए। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने कहा पीएम इमरान खान के पास राष्ट्रपति से संसद भंग करवाने का अधिकार नहीं, कोई भी सरकार संविधान से ऊपर नहीं। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को लगाई फटकार, कहा सरकार किसी की वतन परस्ती पर नहीं उठा सकती सवाल, आप किसी को मुल्क का गद्दार कैसे कह सकते हैं। सुप्रीम झटके के बाद पाकिस्तान के आवाम को संबोधित करेंगे इमरान, आज शाम को होगा इमरान खान का संबोधन। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इमरान खान का ट्वीट, कहा मुल्क के लिए आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। पाकिस्तान में आज इमरान खान ने बुलाई कैबिनेट मीटिंग, अपनी पार्टी पीटीआई के सदस्यों के साथ भी करेंगे बैठक। पाकिस्तान में आज होगी संसदीय समिति की बैठक, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बुलाई मीटिंग, विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर होगी चर्चा। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ का इमरान खान पर निशाना, कहा इमरान ने पाकिस्तान को किया बर्बाद, आज देश को उनसे निजात मिली। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के लिए आज ऐतिहासिक दिन, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पाकिस्तान का संविधान बच गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बिलावल भुट्टो ने कहा इस फैसले ने बचाई लोकतंत्र और संविधान की लाज, अब पूरी होगी अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया। पाकिस्तान के लाहौर में इमरान खान के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन, गो नियासी गो के लगाए नारे। रूस यूक्रेन युद्ध का 44वां दिन, यूक्रेन के कई शहरों पर रूस अब भी कर रहे हैं हवाई हमले, कीव खार्किव मारियोपोल समेत तमाम शहरों में भारी तबाही। खार्किव में रूस की बड़ी एयर स्ट्राइक, ब्रेड बनाने वाली एक फैक्ट्री पर दागी मिसाइल हमले के बाद फैक्ट्री में लगी भीषण आग। मारियोपोल की सड़कों पर दिखे रूसी सैनिक, मारियोपोल के कई इलाकों पर रूसी सेना कर चुकी है कब्जा। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर रूसी सेना के ड्रोन ने किया हमला, रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। यूक्रेन के होस्टोमेल शहर में पहुंचा जीवीडिया, चारों तरफ देखने को मिल रही बर्बादी की तस्वीरें, रूसी सेना ने किया था होस्टोमेल पर कब्जा। होस्टोमेल में रूस ने जमकर मचाई तबाही, सड़कों पर मिली जानवरों की लाशें, रूस के मिसाइल अटैक का शिकार बने यहां के जानवर। होस्टोमेल में रूस के मिसाइल अटैक से बर्बाद हुआ पूरा रिहायशी इलाका, इन इलाकों में सब कुछ तहस नहस हुआ। रूसी हमले में कीव से होस्टोमेल, इरपिन और बूचा को जोड़ने वाला पुल भी टूटा, जर्जर पुल से बमुश्किल गुजर रही गाड़ियां। रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत के लिए तैयार जेलेंस्की, कहा बिना शर्त बातचीत के लिए राजी हैं जेलेंस्की। यूएनएचआरसी से रूस को किया गया सस्पेंड, वोटिंग से हुआ फैसला, प्रस्ताव के पक्ष में 93 और खिलाफ में 24 वोट पड़े। यूएनजीए में रूस के विरोध में वोटिंग से भारत ने बनाई दूरी, भारत समेत 58 देशों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। एथेंस में जेलेंस्की ने ग्रीस की संसद को संबोधित किया, जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से रूस के खिलाफ कड़े कदम उठाने की अपील की। यूरोपीय देश में यूक्रेन के राष्ट्रपति का बयान, कहा रूसी तेल पर जल्द प्रतिबंध लगाए, रूसी तेल पर बैन में देरी जान पर भारी। यूक्रेन को दुनिया भर के देशों से मिल रहा समर्थन, दक्षिण कोरिया में यूक्रेन के समर्थन में ड्रोन उड़ाए गए, नो वॉर का संदेश दिया गया। बरेली में एसपी विधायक के पेट्रोल पंप पर चला बाबा का बुलडोजर, अवैध जमीन पर किया गया था निर्माण, विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई की। यूपी के प्रतापगढ़ में बुलडोजर लेकर निकली पुलिस, बुलडोजर दिखाकर आरोपियों की तलाश, फरार आरोपी के घर के बाहर की मुनादी। भोपाल के भूमाफिया जाहिर खान के ठिकाने पर चला मामा का बुलडोजर, तो मुरैना में रेप के आरोपी का आशियाना भी ध्वस्त किया गया। एमपी के राजगढ़ में गर्जा मामा का बुलडोजर, सट्टा कारोबारी और सूदखोरी करने वाले बदमाश के अवैध मकान जमीन दो। यूपी के सीएम योगी का गोरखपुर दौरा, नवरात्र की पूजा के लिए सीएम योगी आज से 3 दिनों तक गोरखपुर में होंगे। यूपी में मदरसा शिक्षा में बड़े बदलाव की तैयारी में योगी सरकार, मदरसों को पढ़ाया जाएगा स्वतंत्रता सेनानियों की गाथा का पाठ। मदरसा में शिक्षा में बदलाव लाने के लिए प्लान तैयार कर रहे हैं दानिश आजाद, आधुनिक शिक्षा देने के लिए मोबाइल ऐप भी किया जाएगा विकसित। उत्तर प्रदेश में नहीं होगी बिजली की किल्लत, प्रदेश को मिलेगा 1.5 गुना ज्यादा कोयला, ऊर्जा मंत्री एके शर्मा के अनुरोध पर मिलेगा ज्यादा कोयला। सीतापुर में महंत के विवादित बोल, का हिंदू लड़की से छेड़छाड़ की तो खैर नहीं, तुम्हारे घर में घुसकर औरतों का अपहरण कर करूंगा। लखनऊ में माफिया मुख्तार अंसारी की एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी, आज 2 केस पर होगी सुनवाई, जेल में पथराव और जानमाल की धमकी देने का आरोप। मुख्तार अंसारी फर्जी एम्बुलेंस मामले में बाराबंकी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 25,000 के नामे शाहिद को किया गया गिरफ्तार। गोरखपुर केस में आरोपी मुर्तजा के पिता तक पहुंची जांच की आज एटीएस ने किया तलब। आरोपी मुर्तजा के पास मिली अरबी भाषा की किताब, एटीएस ने कई शब्दों के कोड को वर्ड को डिकोड किया, अरबी कोड से 5 जांच एजेंसियों को शक नहीं होता था। दिल्ली में नवरात्रि पर मीट शॉप बंद कराने का मामला, दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने 3 नगर निगम को भेजा नोटिस। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने पूछा कि इस नियम के तहत मीट दुकानों पर लगाया गया प्रतिबंध, 3 महापौर और आयुक्त से जवाब तलब। कश्मीर में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश, तिलक लगाने और हिजाब पहनने पर छात्राओं को टीचर ने बेरहमी से पीटा, पुलिस ने शुरू की जांच।
अजान पर समाजवादी पार्टी के सांसद शकीफुर रहमान का बयान, कहा 3-4 मिनट के अजान से प्रदूषण नहीं फैलता। पुणे में राज ठाकरे का विरोध, मुस्लिमों ने शिला पर राज ठाकरे के नाम पर पोती कालिख, राज ठाकरे ने नूरानी कब्रिस्तान का किया था भूमि पूजन। अजान में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर बिहार के मंत्री का बयान, बोले हिंदुओं के त्यौहार पर लाउड स्पीकर बैन तो मस्जिदों में क्यों नहीं। पटना में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री के दावत इफ्तार में शरीक हुए सीएम नीतीश, गुलदस्ता टोपी और साफा के साथ किया अभिनंदन। बीजेपी विधायक रामलीला का जाति प्रमाण पत्र रद्द, माफ कीजिएगा समरी लाल का जाति प्रमाण पत्र रद्द। राजस्थान के करौली में कर्फ्यू जारी, उपद्रव मामले में अब तक 22 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। जयपुर में एसीबी के हाथ लगी बड़ी मछली, बायोफ्यूल अथॉरिटी के सीईओ के घर एसीबी का सर्च ऑपरेशन, सुरेंद्र सिंह के घर से 3 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद। जोधपुर में लकड़ी की फैक्ट्री में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।